विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड, अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी। खिलाड़ी कुमार फेल हुए आमिर की परीक्षा में, किसे किया गया बायोपिक के लिए अप्रोच, क्या था भूषण कुमार का रिएक्शन खिलाड़ी कुमार को लेकर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है वाली क्रैच स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड के तीनों खान अपनी बैक टू बैक फिल्मों की शूटिंग में बिजी नजर आ रहे हैं। शाहरुख और सलमान के साथ आमिर भी इस लंबी रेस का हिस्सा है। उनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा तो पूरी तरह से तैयारी में है, पर इसके बीच उनके हाथ लगी बायोपिक करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जी हाँ, आमिर खान इस बार फिल्म मोगुल में बायोपिक करने वाले हैं। पता है किसकी? गुलशन कुमार जी की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर टी सीरीज जैसी बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक बनकर उन्होंने 90s के दौर को सुनहरा बना दिया। आज आप उस जमाने की कोई भी कैसेट देख लो, उस पर गुलशन कुमार का नाम हाईलाइट किया होगा। ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट पर फिल्म बनना बेहद जरूरी है और यह काम कर रहे हैं उनके बेटे भूषण कुमार, वही फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और उनका साथ देंगे आमिर खान। पर क्या आपको पता है, जब आमिर प्रोड्यूसर होने के नाते कास्टिंग कर रहे थे तब उनके सामने अक्षय का चेहरा आया। आमिर की नज़र में अक्षय इस बायोपिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, क्योंकि हमारे खिलाड़ी कुमार आमिर की तरह एक्सपेरिमेंट करने में माहिर है। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि मोगुल की चर्चा में अक्षय का कोई नाम ही नहीं ले रहा है? दरअसल अक्षय इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनने वाले, क्योंकि उन्होंने खुद ही फिल्म को ठुकरा दिया है। पहले तो राजी हुए थे इस रोल के लिए, पर फिर बात नहीं बनी तो उन्होंने सीधा भूषण कुमार को ना कह दिया। और इतना ही नहीं, फिल्म की साइनिंग अमाउंट भी रिटर्न करने का फैसला कर लिया। मतलब आमिर की सोच को उन्होंने गलत ठहरा दिया। इतना ही क्यों, अक्षय के बाद ये ऑफर वरुण धवन को भी मिला था, पर ये खिचड़ी वहाँ भी नहीं पक पाई। वरुण के ना कहने के बाद भूषण कुमार के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था। फिर क्या, उनकी नज़र आमिर पर पड़ी और अपने पिता की बायोपिक के लिए उन्होंने आमिर को ही लॉक कर दिया। वैसे तो आमिर जल्दी राजी होने वालों में से नहीं है, पर स्क्रिप्ट का पोटेंशियल देखकर वो राजी हो गए। एक इवेंट के दौरान भूषण कुमार से इस फिल्म में अक्षय के काम करने के बारे में सवाल पूछा गया, तब उन्होंने काफी शांति से जवाब दिया, नहीं वो नहीं होंगे, एक बड़ा नाम होगा। अब वो बड़ा नाम मतलब आमिर ही थे, पर जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन दिया उससे यही लग रहा था कि वो काफी ज्यादा नाखुश थे अक्षय के इस बर्ताव से। और अब तो बात उनके पिता की बायोपिक की है, तो कौन इतनी बड़ी इंसल्ट सह सकता है। इसका मतलब है आमिर का और एक नया अवतार हमें देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ गुलशन कुमार की जिंदगी से जुड़े कुछ राज भी हमारे सामने आएंगे। आपके हिसाब से इस बायोपिक को कौन अच्छे से निभा सकता है, अक्षय, वरुण या आमिर, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।